चलिए आज का नया टॉपिक है सम हायर पॉइंट्स चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे ज़्यादा आपको वो हायर पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा एक एक करके, जो कि पुराने सालों में पूछे गए हैं या आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमने पुराने लेक्चर्स बताए हैं वो आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेने, ये बहुत बाद में पढ़ने हैं, हायर पॉइंट्स हैं। इससे ज़्यादा मतलब कहने का ये है कि 360 मार्क्स आपके नीट में बायो की जिम्मेदारी जब ली है मैंने, तो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबल जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पर हमने बता दिए। देखिए इसमें क्या है, इन क्वेश्चंस में कुछ देखिए बेसिक आपको जो एनसीईआरटी ने दिया है वो तो आपको पढ़ना ही है, जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं। इसमें कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो हम पढ़ेंगे नहीं। देखिए एनसीईआरटी में मान लीजिए एंडोस्पर्म है कहीं पर लिखा हुआ, तो एंडोस्पर्म से रिलेटेड हाई लेवल तक एनटीए जा सकता है जो आपका बनाता है पेपर, फिर आपका क्लेम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम कवर करने वाले। नंबर वन, उससे पहले ये कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दें, वो बच्चे जो नीडी हैं उनको पहुंचा दें। देखिए इसमें क्या है कि सबसे नंबर वन पॉइंट क्वेश्चन बना के हमने लिखा है इन द एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड पाइनस। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, सबसे पहले ये यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, एंडोस्पर्म क्या होता है कि फीमेल और मेल का जो फीमेल गेमेटोफाइट है यानी फीमेल ऑर्गन है प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर एक मेल ऑर्गन है, इसका पॉलन ग्रेन फीमेल के ऑर्गन पे पड़ता है स्टिग्मा पे, उसके बाद अंदर से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स तीन होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और दो क्या होते हैं नीचे सिनर्जिड होते हैं, और एक एग सेल होता है इसमें और एक क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो दो गेमेट आते हैं, तो एक गेमेट फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से और एक गेमेट फ्यूज होता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर देखना है तो लास्ट वीडियो पुरानी उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो एंडोस्पर्म बनता है और क्या बनता है सीड बनता है। तो एंडोस्पर्म मेज के अंदर एंडोस्पर्म और पाइनस के अंदर एंडोस्पर्म हमने बताया। देखिए मेज जो है वो बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म का मेनली जो एंडोस्पर्म की प्लॉयडी होती है यानी कितने क्या होते हैं सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे 3N होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दो सेंट्रल सेल के साथ एक गेमेट का फ्यूजन होता है, इतनी बात समझ। पाइनस क्या होता है, पाइनस बेसिकली है हमारा जेम्नोस्पर्मिक प्लांट, तो जेम्नोस्पर्मिक प्लांट का क्या होता है एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इज एंडोस्पर्म ऑफ मेज वीट एंड लिली, सब वेट के मेज के अंदर भी वीट के अंदर भी एंड लिली के अंदर भी क्या होगा एंडोस्पर्म, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी ट्रिप्लॉइडी होगी यानी 3N होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों के तीनों एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या होता है ट्रिप्लॉइडी होती है, टेप्लॉइड मतलब 3N। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंड सेलुलर नेचर ऑफ एंडोस्पर्म कैन बी नोन एट अ स्टेज ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, यहाँ पे वही है कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म यानी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखने हैं आपको तो हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं पिछली। ट्रिपल फ्यूजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि ये कब डिस्कवर्ड हुआ, किसने किया, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिसका नाम था गेगनार्ड ने बताया कि ट्रिपल फ्यूजन भी होता है यानी कि दो सेंट्रल सेल के साथ एक गेमेट क्या होता है फ्यूज होता है और फिर क्या बना लेता है एंडोस्पर्म, तो ट्रिपल फ्यूजन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, क्रोमोजोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट कैन बी, क्रोमोसोम नंबर एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, ये आपको बता दिया। किसमें होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकती है इसकी प्लॉइडी और पॉलीप्लॉइड यानी कि 3N। इतनी बात समझ में आ गई। आमतौर से बच्चों को ये पता रहता है कि सिर्फ एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है या फिर हैप्लॉइड होता है, नहीं डिप्लॉइड भी होता है बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स हैं इस पर अभी तक सवाल नहीं आया, तो सवाल बताया भी नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रूट कल्चर,
ऐसी साइंस, ऐसी स्टडी, ऐसी साइंस की वो स्टडी जिसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फ्रूट कल्चर की, तो उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल का पोर्शन होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और वहां गेमेट और जर्म सेल बनते हैं। यहां पे मेल पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, एंथर या स्टमेन बोलते हैं। स्टमेन में भी मेन पोर्शन क्या होता है, एंथर। वहां पे स्पर्म होता है, स्पर्म का भी मेन पोर्शन क्या होता है, हेड। ऐसे ही इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म जो गूदा होता है बेसिकली फ्रूट का, पॉलन ग्रेन भी क्या करता है, इस गूदे पे इफेक्ट करता है। इफेक्ट का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन के, पॉलन ग्रेन टू पॉलन ग्रेन एंडोस्पर्म क्या करता है, वेरी करता है। मैंगो का अलग होता है गूदा, समझ आ रहा है, गुआवा का गूदा अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है उसके पॉलन ग्रेन पे। तो पॉलन ग्रेन का इफेक्ट जो आता है उसको बोलते हैं जीनिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प हमने बताया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट जो होता है वो कैसे बनता है। देखिए ओवरी होती है ये वाला पोर्शन, यानी ये फीमेल गेमेटोफाइट है, इसको बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। कार्पेल का ये वाला ओवरी वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यही ओवरी का हिस्सा क्या बन जाता है, फ्रूट। तो जो जो अंदर क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही ओवरी थी, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल का ये वाला हिस्सा जो था, ओवरी जो थी, वो तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल जो अंदर था वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में। अब ये जो ओवरी की वॉल थी वही क्या बोली जाती है, पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी कि इफेक्ट, पॉलन गेन का इफेक्ट अगर पेरिकार्प पे आ गया, ओवरी की वॉल पे आ गया और सीड कोट पे आ गया, सीड की कोटिंग पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को मेटाजीनिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स लिक्विड। भाई क्या होता है, एंडोस्पर्म आमतौर से क्या होता है, गूदा होता है, वो लिक्विड में नहीं होता, लेकिन कोकोनट के अंदर क्या होता है, लिक्विड में होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं यहाँ पे, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होती। कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियर डिवाइड होते होंगे बहुत ज्यादा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, यानी सेल डिवीजन नहीं होती वहां पे, बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो इसीलिए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स लिक्विड इन कोकोनट, यानी कोकोनट के अंदर लिक्विड क्यों रह जाता है, क्योंकि लिक्विड ही लिक्विड क्यों नजर आता है वहां पे, असल में एंडोस्पर्म गूदे में नजर नहीं होता, वहां पे लिक्विड की फॉर्म में नजर आता है, इसलिए क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में। अब नेक्स्ट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फ्लावर। देखिए पहले जिम्नोस्पर्म से ही तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बने, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन होगा एक तरीके से कहा जाए, तो इवोल्यूशन हुआ होगा तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन गए, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की क्या आई होगी, खासियत आई होंगी। तो बेसिकली हम किससे बने, हमारा भी तो इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे ही फ्लावर जो देखा गया है वो क्या क्या हुआ है, फ्लावर का मॉडिफिकेशन हुआ है। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, कंडेंस शूट का, यानी कि कंडेंस शूट रहती होगी जिम्नोस्पर्म में और ये क्या बन गया, फ्रूट बन गया आफ्टर इवोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। थैलमस जो है, थैलमस क्या होता है, हमने आपको बताया एक फ्रूट जो होता है, एक फूल जो होता है, फूल के अंदर ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये थैलमस कहलाता है। देखिए अगर हम नॉर्मली कोई भी फूल बना दें तो फूल का ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या बोला जाता है, तो थैलमस भी क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का। बेसिकली ये क्या है, स्टेम है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत सारे आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो वहां पे 11th क्लास में डिस्कस किया जाएगा। एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट इन, ये कहा जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो पैदा हुए, यानी जिनकी इनकी ओरिजिन हुई है, किस एरा में हुई है, मीसोजोइक एरा में।
इतनी बात समझ में आ गई। एरा क्या होते हैं? एरा जियोलॉजिकल एरा होते हैं, टाइम होता है बहुत, तो टाइम को डिवाइड कर दिया गया है भाई। 100, 200, 300 साल तो कुछ नहीं होता, 1,000, 1.5 लाख, 2 लाख साल का इन्होंने क्या कर रखा है। जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी थ्योरी है, यानी कि 100 साल, 200 साल, 300 साल तो माना नहीं जाता ना इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में आते हैं बहुत हज़ारों लाखों साल के पैमाने लगाए जाते हैं। तो ये जो हज़ारों लाखों साल की जो भी स्लॉट बना दिए हैं इन हज़ारों लाखों साल के, इसको मीज़ोज़ोइक एरा बोलेंगे, इसको सीनोज़ोइक एरा बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये एरा जो होता है, इसमें किस एरा में सवाल आता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट पैदा हुए, तो मीसोजोइक एरा में। एंजियोस्पर्म डोमिनेट हो गए, यानी बहुत सारे हो गए ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पर फैल गए। ये कौन सी एरा थी? सीनोज़ोइक एरा। एरा कहाँ पढ़ते हैं आप? जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली। आपका एवोल्यूशन में भी हम एरा पढ़ाएंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। अभी सिर्फ इतना समझेंगे, दिस एरा इज नोन एज गोल्डन एज, मतलब बहुत सुनहरा एज था किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इतनी बात समझ में आ गई, ये भी क्वेश्चन आया। अब नेक्स्ट सवाल है, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि प्लांट कैसे पैदा हो रहा है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे सीड कोट बन रहा है, कैसे सीड बन रहा है, कैसे फ्रूट बन रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आती हैं, वो बताए एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था C.F. वॉल्फ। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, अगर इंडियन प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी जो बहुत बेहतर ढंग से समझा पाए वो कौन थे? उनका नाम था पंचानम माहेश्वरी। पंचानम यानी पी फॉर पंचानम, पंचानम माहेश्वरी ने बताया था किस तरह से इंडिया के अंदर प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। पंचानम माहेश्वरी रोट, इन्होंने एक किताब लिखी या बुक, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इन्होंने जो किताब लिखी उसके ऊपर भी सवाल आता है भाई, हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान में नीट हो रहा, नीट पे बेसिकली पंचानन माहेश्वरी पे सवाल आ सकते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज, टिपिकल क्या जाता है? कॉमन, बहुत एक ऐसा कॉमन एंजियोस्पर्म जिसमें बहुत आसानी से हमने क्या देख सकते हैं, उसका मेल गेमेट, गेमेटोफाइट, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, यानी फीमेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन, एंथर बिल्कुल अलग, स्टैमन अलग, कार्पेला बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो ये अगर हम स्टडी करेंगे तो कैप्सिला को उठाएंगे। कैप्सिला क्या है? एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एनुअल, नेक्स्ट है एनुअल प्लांट ग्रो एज वीड। देखिए ये एनुअल प्लांट है और ये एज अ ग्रो होता है वीड की। वीड मतलब होता है जिसको, जिस प्लांट की हमें जरूरत ही नहीं है, वो पैदा हो जा रहा है। लेकिन पता ये चल रहा है स्टडी के लिए बहुत बढ़िया है, इसकी स्टडी बहुत आसानी से अच्छी। कभी कभी तो भाई हमने बताया ना आपको, सिंक कार्पस, कार्पल फ्यूज हैं एक दूसरे में घुसे हुए, एपोकार्पस, तो इस वाले प्लांट में सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या होती हैं, देखने को मिल जाती हैं। तो वीड जरूर है लेकिन इसकी हमने क्या कर रखी है, स्टडी कर रखी है। तो एनुअल प्लांट ग्रो, ऐसे भी सवाल आया, वो प्लांट का नाम बताइए जो एनुअल है, ग्रो होता है एज अ वीड इन विंटर में, तो उसका नाम क्या है? कैप्सिला। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग टेक्स प्लेस इन द होल लाइफ स्पेन, मतलब ऐसा प्लांट का नाम बताइए जो कि फ्रूट देता है पूरे अपने होल लाइफ स्पेन में। एनुअल देता है, एक तो एनुअल होता है, एनुअल का मतलब आपको पता ही, एनुअली साल में, और एक बाइनियल यानी कि दो बार। इतनी बात समझ में आ गई। इनको और क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक प्लांट। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है पॉलीकार्पिक प्लांट, ये क्या होते हैं? प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग मैनी टाइम्स इन होल लाइफ, पूरी लाइफ में क्या देते हैं ये? काफी बार। एनुअल प्लांट तो एक बार ही देगा और बाइनियल प्लांट दो बार देगा पूरी लाइफ में, और एनुअल एक बार देगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होता है, बार बार देता है पॉलीकार्पिक में, तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है क्या? पेरिनियल प्लांट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है यानी गोल होता है, आपको मालूम ही है, और इसका साइज होता है 20-25 माइक्रोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है? ये हमने आपको बताया था जब हमने आपको पॉलन ग्रेन की लेयर्स बताई थी, एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिनिन, ये सब बताया था। तो ये आप कैसे पढ़ेंगे? अब हमारा एक नई वीडियो है पुरानी, उसमें देख सकते हैं पॉलन ग्रेन में बहुत अच्छे से हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे समझने के लिए ये समझेंगे, पॉलन किट होती है पॉलन ग्रेन के अंदर, ये कैसे बनती है? ये स्पोरोपोलिनिन से बनती है, जिसको कोई एंजाइम क्या नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रे,
पॉलन किट जो है अल्ट्रावायलेट रे इस पे क्या इफेक्ट ही नहीं कर पाती है पॉलन किट पे, तो क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे स्पोर पॉलन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये भी सवाल आता है, बिगेस्ट पॉलन ग्रेन, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन बिगेस्ट मिराबिलिस का होता है, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स मायोसोटिस, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जोस्टेरा का होता है, लार्जेस्ट फ्रूट एंड लार्जेस्ट सीड, लार्जेस्ट फ्रूट की अगर बात करें तो लॉडोसिया एंड लार्जेस्ट सीड की बात करें तो मालदीविया, मालदीवी का, ये नारियल के एक प्रजाति है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है एक ऐसा पॉलन ग्रेन जिससे हे फीवर हो जाता है, एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हे फीवर, उसका नाम है एम्ब्रोसिया। देखिए ये वाले सारे पॉइंट्स आपको कब पढ़ने हैं, जब आपने नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रखे हैं, ये बहुत हाई लेवल है, इतना हाई लेवल भी नहीं है। अगर हमारे सारे लेक्चर्स आपने देख रखे हैं तो कुछ हाई लेवल नहीं लगेगा आपको, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 360 से 360 अब आप बहुत आसानी से मार्क्स ला सकते हैं 360 में से 360 बायोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका हो, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ थोड़ा सा बाहर जाएगा, उसके लिए हमने आपको क्या कर रहा है, ईरान तुरान पढ़ना नहीं है आपको, कि पता ये चला कि एंडोस्पर्म, मान लीजिए ये बहुत सारे पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी पढ़ने लग गए, पोमोलॉजी में सिर्फ डेफिनेशन से सवाल आता है, डेफिनेशन याद कर लीजिए, जीनिया पे मेटाजीनिया पे बहुत अच्छे से रिसर्च करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जो पॉइंट्स हाई लेवल के हैं तो उनको क्या कर लेना, या तो छोड़ दीजिए या आपके बस की नहीं है, और नहीं है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना, यानी मान लीजिए आपकी फिजिक्स बहुत डाउन है या मीडियम है या केमिस्ट्री मीडियम है, तो आपको फिर बायो की बहुत अच्छे स्कोरिंग लाना जरूरी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं सवाल। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा आपको लग रहा है कि हम फ़ायदा दे पा रहे हैं या हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।